नमस्कार मित्रों, गुरुकुल की इस व्याख्यान माला में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र, सेंट स्टीफेंस कॉलेज के संस्कृत विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हूं, जो भाषा विज्ञान के ऊपर में एक लंबी चर्चा करते आ रहे हैं। हमने भाषा विज्ञान के अंतर्गत एक नई श्रृंखला शुरू की, जो ध्वनि विज्ञान के नाम से जाना जाता है। ध्वनि विज्ञान के परिचयात्मक व्याख्यान में हम लोगों ने ध्वनि शिक्षा, ध्वनि की परिभाषा, भाषा की विविध ध्वनियां, वाद्य यंत्र आदि के विषय में जाना। हम आगे ध्वनियों के वर्गीकरण के विषय में, विभिन्न वाद्य यंत्रों के विषय में, ध्वनि की उत्पत्ति के विषय में, ध्वनियों के श्रवण मनन आदि के विषय में जानेंगे। सर्वप्रथम हम वाग यंत्र और फेफड़े के विषय में जानने की कोशिश करें। मित्रों, यदि आप देखें तो ध्वनि विज्ञान में ध्वनि की सूक्ष्मता से अध्ययन किया जाता है। ध्वनि का एकमात्र साधन वाग यंत्र है। वाग यंत्र का सूक्ष्मता से ज्ञान ध्वनि विज्ञान की शिक्षा के लिए अनिवार्य है। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, ध्वनि किन स्थानों से होकर जाती है, कहां रुकती है, कहां संघर्ष करती है, कहां और कैसे घोष और अघोष का रूप धारण करती है आदि के स्पष्ट ज्ञान के लिए वागिंद्रिय या वाग यंत्र के प्रत्येक अवयव का ज्ञान होना परम आवश्यक है, अनिवार्य है। इसके आधार पर ही ध्वनि शिक्षा पूर्ण हो सकती है। जिन अवयवों या अंगों की सहायता से भाषा ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है, उन्हें वाग यंत्र, ध्वनि यंत्र, उच्चारण यंत्र, उच्चारण अवयव आदि कहा जाता है। मानवीय वाग यंत्र की तुलना वीणा से की जाती है, बांसुरी आदि से की जा सकती है। वीणा आदि में एक ओर से वायु आती है, उसे कभी पूर्ण रूप से रोका जाता है, कभी अपूर्ण रूप से रोका जाता है, और कभी पृथक पृथक स्थानों से निर्गत करके सरगम यानी सारे गामा प आदि की विभिन्न ध्वनियां उत्पन्न की जाती है। इसी प्रकार फेफड़ों से आने वाली निश्वास वायु की स्वर तंत्रियों, कोमल तालु, कठोर तालु, दंत, ओष्ठ आदि से नियंत्रित करते हुए सभी प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न की जाती हैं। इन ध्वनियों के उत्पादन के लिए आवश्यक अंगों का संक्षिप्त वर्णन, संक्षिप्त विश्लेषण जानना परम आवश्यक है। इसी के साथ फेफड़े की भी भूमिका आकी जाती है। मनुष्य के वक्षस्थल के दोनों ओर फेफड़े होते हैं, जिसको हमने इससे पहले भी कहा कि ये धौंकनी का काम करता है, ये पंपिंग का काम करता है। उच्चारण के लिए आवश्यक वायु इनसे ही प्राप्त होती है। अंदर से आने वाली दूषित वायु ही ध्वनि या भाषा के लिए प्राण या जीवन है। श्वास नली ही आगे चलकर दो भागों में विभक्त होकर दोनों फेफड़ों से संबंध है। तो मित्रों, ये फेफड़े की भूमिका या हमने वाग यंत्र के परिचय को जाना। इसके साथ ही हम शरीर से, हमारे जो जितने भी वाग यंत्र है जिसकी हमने पूर्व सूचना दी है, कमोबेश 20 वाग यंत्र हमारे मुखस्थ है, ओष्ठ के भीतर नासिका सहित है। एक बार इसकी गिनती ले लेते हैं तो श्वास नलिका जिसे विंड पाइप कहते हैं, एक ग्रास नलिका जिसे गलित कहते हैं, स्वर यंत्र लैरिंग्स, स्वर तंत्रिका जिसे वोकल कॉर्ड्स कहते हैं, काकली ग्लॉटिस, अभिकाकल एपिग्लॉट ग्लॉटिस, गलबिल या जिसे उपजिह्वा भी कहते हैं फेरिंग्स, अलिजिह्वा, युवला, नासिका विवर, नेजल कैविटी, कोमल तालु, सॉफ्ट पैलेट, मूर्धा सेरेब्रम, कठोर तालु, हार्ड पैलेट, वर्ट्स एल्वियोलस,
दंत दांत टीथ, ओष्ठ लिप्स, जिह्वा टंग। अब देखिए ये जो यहां तक जिह्वा तक 16 यंत्र आते हैं, इसके बाद के जो 4 यंत्र हैं उसका संबंध न्यूनान्यून जिह्वा से ही है, जैसे जिह्वा फलक ब्लेड ऑफ द टंग, जिह्वाग्र फ्रंट ऑफ द टंग, जिह्वा मध्य मिडिल ऑफ द टंग और जिह्वा पक्ष बैक ऑफ द टंग। अब ये जो 20 के 20 अगर इसको हम आपके सामने प्रस्तुत करें तो आप पाएंगे कि 20 ये जो आने वाले जो भी स्लाइड्स हैं, ये चित्र है, उस चित्र के माध्यम से आप जान पाएंगे कि ये 20 के 20 कौन कौन और कैसे हैं। आप देखेंगे कि पूरे एक मस्तिष्क का, गला से ऊपर एक मस्तिष्क का चित्र आपके सामने अभी आएगा, उपस्थित है, और इसमें नीचे के क्रम से आप देखेंगे कि फर्स्ट एक है जो आप पाएंगे वो श्वास नलिका है, इसी तरह से जो सेकंड है उसे ग्रास नलिका के रूप से अभिव्यक्त किया गया है, जो थर्ड है वो स्वर यंत्र है, जो फोर्थ है, आप क्रमशः ऊपर बढ़ते जाएंगे आप वहां पर एक एरोनुमा आप पाएंगे कि एरो बना हुआ है ट्रायंगुलर शेप में फोर्थ के पास, जिस फोर्थ को स्वर तंत्री वोकल कॉर्ड्स नाम दिया। ठीक उसके ऊपर फिफ्थ स्वर तंत्री के ऊपर काकल पाएंगे ग्लॉटिस, फिर फिफ्थ के बाद आप सिक्स्थ ऊपर चलेंगे, सिक्स्थ यानी एक बड़े ही एक आप कहें तो डोम शिप्ड यानी लेफ्ट साइड से शुरू होकर के और एंड जो हो रहा है राइट साइड एंड नीचे करेगा, हम लोग सिक्स्थ को पढ़ रहे हैं, सिक्स्थ को जान रहे हैं, ये अभी काकल एपिग्लॉटिस। सेवेंथ आए आप पाएंगे कि जो सेवेंथ जो हमारे मुख और जिह्वा का एकदम यहां का हिस्सा है उस जगह आ रहे हैं सेवेंथ के पास, से गलबिल उपाली जिह्वा फेरिंग्स इसके लिए कहते हैं, संस्कृत के बड़े अच्छे शब्द है उपाली जिह्वा, यानी अली जिह्वा के जो निकट है वह उपाली जिह्वा है। सेवेंथ के बाद एट्थ अगर स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा जो ऊपर का जो हिस्सा है तालु और मूर्धा जो कर्व होकर के जो अंतिम इस जगह पे ऊपर का हिस्सा जो मुड़ करके अंतिम इस जगह पे उत्पन्न होता है वह आठवां जिसे हम अली जिह्वा कहते हैं, कौवा भी इसके लिए शब्द प्रयोग कर लिया जाता है, युवला या उलुवला कई उसके अलग अलग प्रोनंसिएशन है। नाइन्थ आप पाएंगे कि वो कहीं ना कहीं नासिका को के पास जा रहा है, नासिका विवर जो नेजल कैविटी है उस जगह आ रहा है नाइन्थ। फिर नाइन्थ के बाद ऑल ऑफ सडन आप देखेंगे हम टेंथ जो नासिका के ऊपर के पास आते हैं वह है कोमल तालु, अब भीतर जो ऊपर का कर्व है इसी के स्थान को हम ये आगे एक एक करके ये पीछे से चलेंगे आगे की ओर आएंगे, तो टेंथ के पास पहुंच रहे हैं और टेंथ जो है कोमल तालु सॉफ्ट पैलेट। इसके बाद एलेवेंथ है जिसे मूर्धा कहते हैं, आप पाएंगे कि उस चित्र में क्रॉस क्रॉस करके उस स्पॉट को बताया गया है। मित्रों अगर इस पिक्चर का बखूबी आप लोग स्टडी करते हैं अध्ययन करते हैं तो एक लाभ क्या हो सकता है कि हमारे सामने जो टवर्ग और चवर्ग के उच्चारण को लेकर के परेशानी होती है उन उच्चारणों को दूर किया जा सकता है। जो हम लोग अगर स्मरण में हो महाकवि कालिदास के चतुर्थ अंक का शायद 20वां पद्य है या 18वां पद्य है, शुश्रूषस्व गुरुन कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने, अगर इसकी पहली पंक्ति पे आप ध्यान रखें, पहली पंक्ति का जो पहला शब्द है शुश्रूषस्व, आप पाएंगे कि तीनों श हम यहां प्राप्त करते हैं, तीनों स यहां प्राप्त करते हैं, तालव्य श उसके बाद मूर्धन्य श, फिर उसके बाद आप पाएंगे तालव्य शुश्रु सस्व दंत्व है दंत्य है, तो ये सारे जो शुश्रूषस्व दो पहले तालव्य है उसके बाद मूर्धन्य है फिर दंत्य है, बड़ा ही सुंदर ये एक यात्रा है कि तालु मूर्धा और दंत्य ये इस प्रकार का डायरेक्ट गमन हो रहा है, तो ये एक ही तीनों स्थल से हैं। और जब हम एक अपने के पूर्व लेक्चर में जब हम औच्चारिणी की बात कर रहे थे
जब हम उस उच्चारण स्थल की चर्चा कर रहे थे तो आप जरा देखें, जो सूक्ष्म विश्लेषण की हमने बात की थी, भौतिकी की शाखा की चर्चा की थी, ये क्या है? ये यही है कि इसकी सूक्ष्मता को पकड़ पाना। सामान्य रूप में आप देखेंगे कि क्षेत्रीय भाषा में श, श और स, इन तीनों के विश्लेषण में बहुत ही डिफिकल्टी होती है, नहीं बोल पाते। कुछ एक प्रदेश विशेष में केवल स ही है, भिन्न प्रदेश विशेष में केवल श ही है, और मूर्धा से उत्पन्न होने वाला, जिसे जिसके उच्चारण में दोष होने के कारण लोगों ने उसको दूसरा नाम ख दे दिया और उषा उसको उखा कहने लगे, षटकोण उसे खटकोण कहने लगे। तो ये एक है जो उस श का जो अभिज्ञान है वो बड़ा ही डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर आप अपने अपने जो मुख विवर के अंतर्गत उस स्थल को आप स्पॉट कर लेते हैं तो मैं समझता हूं कि आपके उच्चारण में फिर किसी प्रकार का दोष नहीं रह जाता है। केवल श देखिए क्या होता है, हमारे ऊपर के तालु में थोड़ा सा जीव कर्व करके एक हल्की गैप होती है, जो तालु को हिट करते हुए वायु निकलती है, वही श है। और मूर्धा जो है उसको हमें और पीछे ले जाना पड़ता है, पूरी तरह से टंग को मोड़ करके और ऊपर जाकर के हिट करना होता है, और वो है श। श टंग का स्पर्श नहीं होगा वहां पर, टंग एक मार्ग बनाता है, पतला सा मार्ग बनाता है मूर्धा, और उसके बीच में एक संकीर्ण स्थल देता है जिससे वायु निकल करके उस श को बनाता है। लेकिन यहीं अगर हम ट देखते हैं तो ट पूरी तरह से मुड़ करके हिट करता है उस मूर्धा से, तब जाकर के ट है। लेकिन वही जीव अगर थोड़ा आगे आ जाए, दांत से हिट करे, तो वह त बन जाता है। और मूर्धा और दंत के बीच में अगर आता है तो वह च बन जाता है, तालु बन जाता है। तो मित्रों, खैर, हम लोग जब भी दसवां ग्यारहवां देख रहे थे, कोमल मूर्धा की बात कर रहे थे, उसी मूर्धन्य के लिए, क्योंकि यह बड़ा ही बहुत ही कठिन कार्य होता है। हमने कई बार अपने प्रयास के क्रम में अपने छात्रों से पुनः पुनः इस पद्य के उच्चारण के लिए प्रयास किया, कई बार नाटक आदि में भी डायलॉग डिलीवरी के क्रम में हम ऐसे शब्द के हमें उच्चारण करने होते हैं। कभी कभी प्रयोग के रूप में जो टंग ट्विस्टर है उसके लिए भी शुश्रूषस्व, शुश्रूषस्व एक साथ नहीं बोल सकते, ब्रेक लेना होता है, सावधान होना पड़ता है कि तीनों श के सही उच्चारण हो। हाँ, लेकिन जो स्किल्ड प्रोनंसिएशन करने वाले हैं, जो स्किल्ड लोग हैं जिनको उच्चारण में किसी प्रकार का दोष नहीं है, उनमें यह कमियां नहीं होती है। लेकिन क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव के कारण कम से कम 80-90% के लोग ऐसे हैं जिन्हें यह उच्चारण कर पाना कठिन होता है। अस्तु, तो आगे आते हैं। इसके बाद हम लोग बारहवां जो स्थान आप पाएंगे, देखेंगे कि बारहवां स्थान जो है वो कठोर तालु, कठोर तालु और मध्य जो जो कोमल तालु है, इसके भी अंतर को देख लें। शब्द से ही क्लियर है, लेकिन अगर आप प्रयोगात्मक रूप में अपने जिह्वा के भीतर देखेंगे तो कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो बड़ा ही कोमल होता है, लेकिन जैसे उसको थोड़ा सा आगे आते हैं बहुत ही हार्ड हो जाता है ना। आप अगर अपने दांत के पीछे ले जाएं तो दांत के पीछे काफी हार्ड एक स्पॉट मिलेगा, उससे पहले का जो स्पॉट है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है। तो बेसिकली यही यहाँ पे अंतर है सॉफ्ट और हार्ड का, जो जिसे केवल ये शब्दों के द्वारा ही समझाया जा सकता है। इसके साथ वर्त्स कह लें, बर्स्व कह लें, ये एक इसको समझा पाना मेरे लिए भी कठिन यह था ये शब्द, लेकिन भाषा विज्ञान में आता रहा है। इसके बाद का जो स्थान है ये 13वां स्थान वही है। फिर जो 14वां स्थान है वो पूरी तरह से आप पाएंगे कि दंत्य का है, और दांत में भी खास करके जो त थ त ऊपर जा रहा है, द त द, मतलब ये दोनों दांतों की भूमिका होती है। अगर आप अनायास करते हैं तो आप ये नहीं समझ पाते हम कि ऊपर के दांत का उपयोग कर रहे हैं या नीचे के दांत का उपयोग कर रहे हैं। तो त थ द ध न, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें लगता है कि हम ऊपर का कर रहे हैं, लेकिन अगर मुख को रोक करके अगर आप नीचे से भी निकालें तो वो निकाल पाना मुश्किल है। इसीलिए यहां पर आप पाएंगे जो चित्र है, चित्र में ऊपर के हिस्से को ही खास करके दांत के रूप में दिखाया गया है, यानी हमारे जो तवर्ग का उच्चारण है वो ऊपरी दांत के संघर्ष से, ऊपरी दांत के संयोग से ही तवर्ग का उच्चारण होता है। आप प्रयास कीजिएगा कि नीचे के दांत को रोक करके त, वो बड़ा मुश्किल होता है, त थ वो बहुत ही मुश्किल होता है, पूरी जिह्वा आपको निकल आती है, जिह्वा संकुचित हो जाती है, जिह्वा की तंत्रिकाओं को एक कष्ट सहना पड़ता है। तो एक एक विशेष आपके सामने ये सूचना यही है, आगे से भी ये ध्यान रहे
कि जब हम दंत्य का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण कर्म में प्रायोगिक दृष्टि से, व्यावहारिक दृष्टि से हम ऊपर के जो दांत होते हैं उनको हम हिट करते हैं, और ऊपर के भी दांत को भी आपको यह भी देखना पड़ेगा कि किन दांतों को। तो मेरा तो ऐसा अनुभव है कि जो ऊपर जो तालू से जो लगे हुए जो दांत है आगे के सामने के जो दो, मेनली दो या अधिक से अधिक चार दांत ले सकते हैं हमारे फ्रंट के जो चार हैं, उन्हीं दांतों की भूमिका सविशेष होती है इसमें, क्योंकि बगल के जो दांत हैं उन दांतों की भूमिका ऐसे शब्द के विशिष्ट उच्चारण के लिए नहीं होते। हाँ, अगर आप भाषा में रुचि रखते हैं, किसी नवीन भाषा का आप प्रयोग करना बनाना चाह रहे हो, संरचना करना चाह रहे हो, भाषा की संरचना करना चाह रहे हो, तो आप अपने जिह्वा को वो मोड़ दे करके, लोच दे करके उस नई जगह से कोई शब्द निकाल करके नए शब्द बना सकते हैं। अन्यथा हम जैसे संस्कृत या वैदिक वर्णमाला ध्वनि की बात कर रहे हैं उसमें सामान्यतः ऐसा ही देखा जाता है कि आगे के जो चारों दंत हैं उसी से हम दंत वर्णों का उच्चारण करते हैं। 15वां स्पॉट देखिए, क्लियर है, दो आप एक जो है ना अपोजिट एरो कह लें, दो क्लिप की तरह पाएंगे कि ओष्ठ को वो दर्शाया जा रहा है, वहां से ओष्ठ वर्ण है। ओष्ठ वर्ण को लेकर के कहानी भी दशकुमार चरितम की आपके सामने प्रस्तुत की है। इसमें भी आप पाएंगे कि यहां पर भी सिंगल, इसमें दोनों होठ की आवश्यकता होती है, यानी इसीलिए ये लिप्स हैं, ये लिप नहीं है, इसको भी ध्यान रखना है। और जैसे प है, अब किसी भी एक को पकड़ के आप प नहीं बोल सकते, फ नहीं बोल सकते, तो इसलिए आवश्यक रूप से पवर्ग के उच्चारण में पहले दोनों ओष्ठ का संयोग होगा, ठीक है, और उस संयोग के उपरांत ही हम पवर्ग का उच्चारण कर पाएंगे। किसी भी ओठ की हीनता शब्दोच्चारण में दोष उत्पन्न करेगा। दशकुमार चरितम के हम मंत्र गुप्त हो जाते हैं, जिनके होठ पे घाव था, पीड़ा थी, कष्ट था, हमने उदाहरण दिया। हम लोगों को भी कभी कभी माउथ अल्सर होता है, मुख में घाव हो आते हैं, और ऐसे क्षण वर्णों का उच्चारण कर पाना बहुत मुश्किल होता है, खास करके पवर्ग का उच्चारण कर पाना। यही नहीं मित्रों, आप लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि हम जब खांसते हैं, जब हमारी खांसी होती है, तो कभी कभी जब बोलते हुए खांसी होती है तो आप जरा ध्यान दीजिएगा कि खास करके कोई पर्टिकुलर वर्ण जब आप बोल रहे होते हैं, चाहे कवर्ग हो, यो ऐसे जो वर्ण होते हैं जिसमें तंत्रिकाएं खींचती है, तो ऐसे वर्णों के उच्चारण के समय आपको खांसी ज्यादा आती है। क ख ग घ आदि वाले उच्चारण में खांसी ज्यादा आती है, क्यों? क्योंकि उसमें खिंचाव ज्यादा होता है। ये एक व्यावहारिक है, प्रायोगिक है, ये कोई साइंटिफिक नहीं है, ये कोई मेडिकल रिसर्च नहीं है, लेकिन मैं एक अनुभव करने के लिए कहता हूं कि ऐसे वर्णों का जब आप उच्चारण करें तो आप जरूर ध्यान दें और ये परिवर्तन आप पाएंगे आगे से। इसके बाद है जिह्वा। अब जिह्वा देखिए कि मैं यदि कहूं तो सारे वर्णों के उच्चारण में जैसे सरोवर में पतवार की भूमिका होती है कि नाव पर हम बैठ तो जाते हैं लेकिन अगर पतवार ना हो तो नाव आगे ना बढ़ सकता है, ना पीछे जा सकता है। हाँ, पानी की धारा उसे जहां बहा के लेके चली जाए लेकिन हम गंतव्य पे नहीं पहुंच पाते पतवार के बिना, ठीक है, चप्पू के बिना। उसी प्रकार मानो ये मुख रूपी महासागर में यह जिह्वा जो है वो पतवार है और चप्पू है, अर्थात बिना किसी, बिना जिह्वा के प्रायशः वर्णों का उच्चारण जो है कर पाना कठिन होता है। कुछ वर्ण हैं जो बिना जिह्वा के बोले चले जाते हैं, अन्यथा जिह्वा जो है सदैव मार्ग प्रशस्त करता है, और वो मार्ग प्रशस्त करता है वायु को, क्योंकि अगर कहीं जिह्वा अवरुद्ध कर ले, आप क ही बोल रहे हो, और अगर ब्लॉक कर दे जिह्वा ऊपर करके तो आप क नहीं बोल सकते। इसीलिए मैं ये मानता हूं कि सारे वर्णों के उच्चारण में जिह्वा की केंद्रीय भूमिका है, लेकिन हमारे वैयाकरणों ने, हमारे भाषा वैज्ञानिकों ने जिसमें जिस स्थल की सर्वाधिक भूमिका है उस स्थल मात्र को चिह्नित करके उसका उच्चारण स्थान का है। लेकिन पुनः मैं इस बात को आपके सामने रख रहा हूं कि आप अपने जिह्वा को निष्पन्द कर दें और किसी भी वर्ण का उच्चारण करना चाहेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। क, ठीक है, क क बोलने में भी जिह्वा के उठते गिरते हुए कर्व का आप अनुभव मुंह खोल के देख सकते हैं, वहां पर भी जिह्वा में स्पंदन है। तो मैंने हमेशा से कहा है, क्लास में भी हो और आप लोगों के सामने भी प्रस्तुत कर रहा हूं, कि सारे वर्णों के उच्चारण में जिह्वा की अनिवार्य भूमिका है, जिह्वा का प्रेजेंस जो है वो अनिवार्य है।
अस्तु, ये जो जिह्वा है जिसे कि 16वां आप संख्या से दिखाया गया है, उसके बाद उसी जिह्वा के कई स्पॉट होते हैं, जैसे टंग होता है, दोनों साइड होते हैं, मिडिल का पोर्शन होता है जहां अभी हमने कहा था कि क बोलते समय जिह्वा जो है ऐसे कर्व हो जाता है, यहाँ का भाग उठ जाता है, ये सारी जो बातें कही आपके सामने। इसीलिए जिह्वा के अन्य जो और, यानी हम कह सकते हैं कि समग्रता रूप में 5 प्रकार वहां पर जिह्वा के बताए गए हैं। अमूमन अदरवाइज तो आप समझें कि 16 ही वाग्यंत्र हैं, लेकिन जिह्वा के जो विविध भेद हैं, जिह्वा के जो विविध प्रकार हैं, उन्हीं के आधार पर ये 20 बन पाते हैं। और ये 20 जो हैं उसको भी देखिए, जिह्वा में जब हमने कहा टिप, जब जिह्वा की सामान्य बात की जाती है तो टिप यानी जो दांत से टकराता है, जो पोर्शन जो है जिह्वा का जो दांत से दांत का स्पर्श करता है, वह जो है वो उसको मूल जिह्वा का नाम दिया गया। इसके बाद है जिह्वा फलक, आप पाएंगे कि जिह्वा फलक जो ब्लेड है, ब्लेड ऑफ, आप देखेंगे ये आप मेरे ख्याल से 17वें पोजीशन पे जिह्वा फलक की बातें की जा रही है। इसके बाद है जिह्वाग्र, जो जो फ्रंट ऑफ द जिह्वा, आगे वाला जो पोर्शन अच्छा नहीं लगता ये स्क्रीन पे दिखाना, लेकिन आप अपने अनुभव से, शब्दों से उस स्थल को आप समझ सकते हैं कि ये जिह्वाग्र क्या है, जिह्वा फलक क्या है, या मध्य जिह्वा, जिह्वा मध्य क्या है, या जिह्वा पक्ष क्या है, अर्थात जो बैक ऑफ द टंग है, जिह्वा का जो अंतिम हिस्सा है। तो ये सारी चीजें जो है, अब आइए कि ये 20 के 20 जो वाग यंत्र है हमारे, इन यंत्रों की समग्रता से ही किसी वर्ण का, किसी शब्द का, किसी वाक्य का और किसी अभिव्यक्ति का संप्रेषण एक वक्ता श्रोता तक कर पाता है। तो इसीलिए यद्यपि आप देखिए, जब आप साहित्य, आप जब पूरे का पूरा विमर्श में जाएंगे, बल्कि मेरा इससे पूर्व के जो कतिपय व्याख्यान है उसमें भी हम लोगों ने वर्ण पर, पद पर, शब्द पर काफी लंबा चिंतन प्रस्तुत किया है, लेकिन सबसे प्रमुख बात जो निकल कर आती है, वो ध्यातव्य है, वो स्मरणीय वह है, यह है कि अगर सही अर्थों में माना जाए तो समस्त भाषा की इकाई ध्वनि है। ध्वनि को ही हमने अलग अलग नाम दे दिया और तब जाकर के वो वर्ण, पद, वाक्य आदि बनते हैं, अन्यथा ध्वनि ही जो है वो हमारा, हमारी भाषा है। वस्तुतः वायु अगर मुंह से न निकले तो वो शब्द निर्माण ना हो, वर्ण निर्माण ना हो, पद निर्माण ना हो, वाक्य निर्माण ना हो। इतनी सारी बातें मैं बोल रहा हूं, मुझे भी लग रहा है कि मैं कोई वाक्य बोल रहा हूं और आपको भी लग रहा है कि कुछ सुनाई पड़ रही है बातें, लेकिन अल्टीमेटली अगर इसके आप नेपथ्य में देखेंगे तो ये केवल वायु, वायु, वायु है, ध्वनि, ध्वनि, ध्वनि है। तो इस रूप से इसीलिए ध्वनि विज्ञान जो है वह अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि ध्वनि की समग्रता ही जो है वह भाषा विज्ञान की समग्रता जाकर के बनती है। ध्वनि का बोध नहीं होगा, ध्वनि विज्ञान का बोध नहीं होगा तो आगे जो संधि समास आदि हम पढ़ते हैं, कारक आदि जो पढ़ते हैं, इसमें जो हमारे शब्द में जो अचानक जो विकार उत्पन्न होते दो शब्दों के मध्य में, उनको समझ पाना, उनको जान पाना अत्यंत कठिन होता है। तो ये आपके सामने पिक्चर के माध्यम से, एक सामान्य पिक्चर के माध्यम से यह स्पष्ट करने का मैंने प्रयास किया है कि क्या चीजें होती है, ये जिह्वाग्र क्या है, जिह्वा फलक क्या है, या ये श्वास नली क्या है, ग्रास नली है क्या है। हम आदि प्रतिदिन बोलते हैं, शब्द का उच्चारण करते हैं, लेकिन हमें बोध नहीं होता कि ये शब्द क्या है, ये स्थान क्या है, खास करके तालु और मूर्धा को लेकर के। हम स्कूल में सीख लेते हैं तालव्य श या मूर्धन्य श, लेकिन हम उच्चारण में वो विशिष्टता उत्पन्न नहीं कर पाते क्योंकि हमें तालु और मूर्धा का बोध नहीं होता। तो मित्रों, मैं समझता हूं कि अगर समय मिले तो इसे एक बार अपनी तरफ से अच्छी तरह से इसे जानने की कोशिश करें, उस स्थान को, उन अंगों को, उन वैशिष्ट्यों को। अब ये जो श्वास नलिका है, अगर आप कहें तो एक एक हमारा तो प्रयास रहेगा कि मैं एक एक अंग की समग्रता को आपके सामने रखूं कि किस प्रकार वह हमारे सामने प्रस्तुत होता है। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि ये जो श्वास नलिका होती है, वो श्वास नलिका हमारे शुद्ध वायु को भीतर ले जाती है, प्रदूषित वायु को वो बाहर करता है, और बाहर आने वाली जो वायु है उसी से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार श्वास नलिका का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है ध्वनि तरंग या ध्वनि को बाहर निकालने में, शब्दोच्चारण में। इसके बाद जो ग्रास नलिका है, ग्रास नलिका जिसको कि हम लोग स्पेशली जो खास करके जो खाने का, जो भोजन ग्रहण करने का होता है, शब्दोच्चारण में ग्रास नलिका की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन चूंकि श्वास नलिका के पैरेलल ही ग्रास नलिका चलती है तो इसीलिए उस अंग को समझने के लिए यहां पे ग्रास नलिका का दिया है, अन्यथा ग्रास नलिका की कोई विशिष्ट भूमिका नहीं होती है उच्चारण में, शब्दोच्चारण में। मित्रों, आप लोगों ने इस पूरे अभी
मनोरंजक कहें, रोचक कहें या क्या कहें, मेरी दृष्टि से तो काफ़ी मुझे अच्छा लगता है ये चीज़ों को जानना, तो इसलिए मैं रोचक कर रहा हूँ। आप लोगों ने सुना, ध्यान से जाना। इसी प्रकार हम ध्वनि विज्ञान में आगे बढ़ते जाएंगे कि किस प्रकार ध्वनि का परिवर्तन होता है, ध्वनि के नियम क्या क्या हैं आदि, और मैं उदाहरण के सहित आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा। इस क्षण केवल इतना ही, आप लोगों के एक स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए मैं अपने इस व्याख्यान को यहाँ विराम देता हूँ। आप लोग सुनकर के यदि प्रतिक्रिया देते हैं तो मेरे में और अधिक उत्साह आता है, मोटिवेशन होता है। और महाकवि भास ने जैसा कहा है कि प्रायेण ही नरेंद्र श्रीह सोत्साहे रेव भुज्यते, तो अगर आप लोग उत्साह देते रहेंगे तो मैं इस ध्वनि रूपी जो धारा है मैं उसको जीतने की कोशिश करूंगा। आप लोगों की टिप्पणी की प्रतीक्षा होगी। आप लोगों ने ध्यान से सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।